हरि, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी कार्तिक के महीने की। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सारी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सकें। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचती और रोज कहती है, तुलसी माता मुझे बहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कांधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया जब मर गई, सब लोग आ गए, तब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठे ही ना। तब भगवान एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सबको देना।